वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीना जायसवाल फ्रॉम देहरादून। चलिए आज हम कुछ नया सा करते हैं। आज आप लोगों को हम बताएंगे, अगर यदि हमारे चावल बनने और बच जाए चावलों का, तो हम उस चावलों का क्या करें। वैसे लोग चावल बच जाते हैं तो इन्हें फेंक देते हैं कि फेंक देंगे, या कुत्ते को या डॉगी या गाय को खिला देते हैं। आज हम उसका एक नया तरीके से बताऊंगी, इस चावल का भी हम काम में ला सकते हैं। इन्हें फेंकने के अलावा हम इन्हें काम में ला सकते हैं। इनका देखें क्या करते हैं चावलों का। ये चावल हमने जो बनाए थे, ये थोड़े से चावल हैं। हम सबसे पहले इन चावलों को लेंगे, एक बर्तन लेंगे, ट्रे, आप ट्रे या कोई प्लेट या थाली, जो जैसे भी आपके चावल बचे हो उस हिसाब से आप बर्तन को ले लें, उस हिसाब से उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाएंगे। इस तरह से कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर इन चावलों को रख देंगे, अच्छे से फैला देंगे इस तरह से। इस तरह से पूरा खुला खुला करके एक चावल जैसे इकट्ठा इनको अलग कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल आराम से, जिससे चावल टूटे ना हमारा, ये अलग अलग आराम से बिखर जाए ये चावल। इस तरह से ये चावलों को हम बिखेर देंगे और इन्हें हम रखेंगे दो या तीन घंटे, जब तक ये सूख के बिल्कुल सूख ना जाए, जब तक हम इन्हें धूप में सुखाएंगे। चलिए इन्हें धूप में सूखने के लिए रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए। इन चावलों को देखिए, हमने पहले से सुखा के रखा हुआ है, उन चावलों को हमने धूप में सूखने के लिए रख दिया है 2 घंटे के लिए। 2 या 3 घंटे में हमारा सूख के इस तरह चावल हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ये सूख चुका है। अब इसकी हम बनाएंगे सुंदर कचरी। ये हम आराम से इनको कचरी को तलेंगे, तेल में फ्राई करके तल के आराम से हम इनको खा सकते हैं, और इसे बच्चे बड़े सभी बहुत खुश होकर खाएंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ इनकी कचरी कैसे बनती है, कितनी बढ़िया कचरी बनेगी, आप बाजार की खाना भूल जाएंगे कचरी। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को नई नई हमारी वीडियो मिलती रहे। चलिए कढ़ाई रखते हैं, इसमें तल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये आप भी कभी, अब इस देखने के बाद आप चावलों को कभी फेंकेंगे नहीं और इस तरह से बना के खाएंगे तो आपको वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें मसाले वगैरह डाल के आप पूरी अच्छे से बनाएंगे। चलिए तलना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी गैस पे, इसको करेंगे गैस को ऑन। इस पर हम डालेंगे, आप जो भी तेल खाते हैं, चाहे रिफाइंड खाते हैं या सरसों का तेल है, घी है, आप जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो सब चीज़ कुछ भी डाल लें और इसको फ्राई कर सकते हैं। मैं डालूंगी इसमें रिफाइंड। तेल बिल्कुल भरपूर डालें जिससे हमारी कचरी आराम से निकल जाए। तेल को, रिफाइंड को गर्म होने देते हैं। इस तरह से देख लेंगे हमारी गैस तेल गर्म हो चुका है या नहीं गर्म हो चुका। इसमें एक दाना डाल के देखूंगी मैं इस तरह से। अभी हमारा तेल गर्म अच्छे से नहीं हुआ है कचरी के हिसाब से, ये देखिए। कितनी बड़ी हो गई है देखिए। रखेंगे एक छन्नी ऐसे करके, इसमें डालेंगे हम दाना।
पहले अच्छे से तेल को गरम होने देते हैं, फिर फटाफट हमारी ये तल जाएगी। चलिए तेल गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें कचरी। ये देखिए चावल, कितनी बढ़िया ये देखिए कचरी हमारी बनके तैयार है। इसको कभी आप लोग भी मत फेंकना, बहुत ये काम की चीज़ है। बहुत अच्छे से कचरी बाजार में इतनी महंगी आती है और ये आराम से कचरी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए अब हम डालते जाएंगे इस प्लेट में इस तरह से। इसी तरह से हम सारी तल लेंगे। बढ़िया हमारी कचरी तल के तैयार है। ये देखिए एक एक चावल बड़ा बड़ा अलग अलग है। इस तरह आप चावल को सुखाएंगे, एक एक करके दाना अलग अलग सुखाएंगे, उस तरह से ही आपकी ये कचरी बढ़िया बनेगी। इस तरह से ये भी डाल देंगे। है ना बढ़िया मजेदार? ये आप भी बना के देखना, आपकी भी इसी तरह से बनेगी। बिल्कुल आप मेरे तरीके से अगर बनाओगे तो आपकी भी इसी तरह से बनेगी कचरी। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी कचरी ऐसी बनी है या नहीं बनी है। चलिए निकालते हैं इनको भी। इस तरह से एक बारीक जो छन्नी होती है, बिल्कुल दूध छानने वाली या मतलब बहुत बारीक छेद वाली, वो छन्नी लें जिससे कि आपके इसमें आराम से अंदर रहेंगे, निकलेंगे नहीं बाहर। और थोड़ी मोटी छन्नी ले लेंगे तो सारे चावल नीचे निकल जाएंगे। इससे हमारा घी भी खराब होता है और घी भी बिल्कुल साफ़ है, हमारा घी या तेल जो भी है बिल्कुल साफ़ है और हमें लग भी नहीं रहा हमने तेल इसमें कचरी तली भी है, बिल्कुल एक भी दाना नहीं इसमें गिरा। इस तरह से आप भी कचरी तलेंगे ऐसी कढ़ाई इसमें छन्नी में डाल के, तो आपकी भी इतनी बढ़िया करके होंगी और आराम से निकालने में भी आराम रहता है। ऐसे आप डाल दोगे तो इसमें निकालने में दिक्कत होगी, कलछी से निकलती नहीं जल्दी से। जब तक निकालोगे आपकी सारी जल जाएंगी, फिर आप कहोगे ये आपको हमें सही से बताया नहीं। इसलिए मैं सारी बातें आप लोगों को बता रही हूँ कि आप भी जब भी करें तो आप इस तरह से ही करें। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले मिलाएंगे इसमें, ये क्योंकि फीके चावल थे हमारे, बिल्कुल इसमें ना नमक पड़ा था कुछ भी नहीं पड़ा था, बिल्कुल फीका चावल था। इसलिए अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी आपको पसंद हो मिला सकते हैं। देखिए तेल भी बिल्कुल नहीं निकला, ये देखिए बिल्कुल सूखा है, कोई चिकना नहीं है, कागज नहीं हुआ है, बिल्कुल इस तरह से आप छन्नी में बनाएंगे और बहुत अच्छे बनेंगे आपके भी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। थोड़ा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आप जैसे भी मसाले ज़्यादा जैसे यूज करते हो, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा, कम खाते तो कम। थोड़ा डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी लाल मिर्च,
बाकी मसाले आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, जो भी डालना चाहे। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। कचरी हमारी बनके तैयार है, ये देखिए। तोड़ के दिखा दी किस तरह से, इस तरह से अब कितनी कुरकुरी बनी है एकदम से। अब हम निकाल लेंगे इस प्लेट में। कैसी लगी हमारी ये कचरी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट करके हमें बताना कि हमारी ये कचरी कैसी बनी है। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।